सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना के करिश्मे की। जी हाँ, भारतीय सेना ने एलएसी पर एक करिश्मा कर दिखाया। और ये करिश्मा क्या है? 15,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक्स की तैनाती कर दी है। आपको बता दूं कि ये पूर्वी लद्दाख का एरिया है, चीन से टकराव की वो पहाड़ियां हैं जहां पर इन टैंक्स को तैनात किया गया है। मतलब ये है कि चीन ने अगर जरा भी हिमाकत की ना, तो उसकी जो कमांड टैंक ब्रिगेड है ना, वो इसकी रडार पर है। अगर एक कदम भी आगे वो आता है या एक कदम भी अगर वो हिमाकत करता है कुछ इस तरह की, तो फिर उसका महाविनाश तय है। सत्रह हजार फीट की ऊंचाई पर चीन को हिंदुस्तान का फौलादी चैलेंज। जमीन पर चीन, पहाड़ पर भारत के T-90 टैंक। रणभूमि में ड्रैगन को तबाही का आखिरी अल्टीमेटम। पूर्वी लद्दाख की रणभूमि में जब पारा शून्य से 15 डिग्री तक नीचे जा चुका है, जमा देने वाली ठंड शुरू हो चुकी है। ठीक इसी वक्त भारत की विध्वंसक तैयारी से चीन की तबाही की घड़ी करीब दिखने लगी है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास स्पांगुर गैप के जिस इलाके में चीन के हजारों सैनिक तैनात हैं, उसके ठीक ऊपर के रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी के ऊंचे इलाकों में भारतीय सेना ने T-90 और T-72 टैंकों को पहुंचा दिया है। आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में 15,000 से 17,000 फीट की पहाड़ियों पर टैंकों को तैनात कर नया इतिहास रच दिया है। चीन ने स्पांगुर गैप में टैंकों का ब्रिगेड तैनात कर रखी है। अब ये पूरी पलटन सीधे सीधे भारतीय टैंकों के निशाने पर है। हिंदुस्तान के पास ऊंचाई पर मौजूद रहने का वो ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर चीन पर किसी भी वक्त कहर ढाया जा सकता है। अगर एक बार भारत ने सीधी स्ट्राइक शुरू की, तो यहाँ चीनी फौज का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनेगा। भारतीय सेना के शौर्य की दुनिया में कोई और मिसाल शायद ही हो। इतनी ऊंचाई पर महाशक्तिशाली टैंकों को पहुंचाना किसी करिश्मे से कम नहीं। रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी के पास तो कई जगहों पर भारतीय और चीनी टैंक कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात हैं। चीन ने अगर कोई हिमाकत की, तो उसके हिस्से में सिर्फ तबाही आएगी। हिंदुस्तान ने अपने T-72 और T-90 टैंक्स लगा दिए। इसी प्रकार जितने भी पासेस हैं, जितने भी हाई ग्राउंड्स हैं, जितने भी ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, उनमें सब में हमने अपनी फौज को तैनात किया हुआ है, क्योंकि चीन जो है कहीं कुछ कार्रवाई कर सकता है। लद्दाख में तो चीन जानता है कि उसके बस की बात नहीं है हिंदुस्तान को पिछाड़ना। चीनी टैंकों के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना की ये अभूतपूर्व तैयारी है। स्पांगुर गैप के पास चीनी सेना ने 80 से 90 टैंकों को तैनात कर रखा है। इसके साथ ही बड़ी तादाद में बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद हैं। चीन ने यहां अपने T-69 और T-99 टैंकों को तैनात कर रखा है। चीन के खतरे को नाकाम करने के लिए सितंबर से ही भारतीय सेना ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रखा था। मकसद था चीन के मुकाबले में ऐसी स्थिति में पहुंचना जिससे ड्रैगन की हर चाल नाकाम की जा सके। भारतीय जवानों ने आखिरकार वो करिश्मा कर दिखाया जिसका इंतजार था। अब टैंकों की चीन के मुकाबले ऊंचाई की जगह पर तैनात होने से भारत की स्थिति कई गुना मजबूत हो गई है। फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स जो कि इन सिटू लोकेशंस में हर जगह पर मौजूद रहेंगे, ये सब इंश्योर करने की हमारी इक्विपमेंट हर तरह से और हर समय मेंटेन रहे, ये हमारी कोशिश है। लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर 2015 से ही टैंकों को तैनात करने की शुरुआत हो गई थी। लद्दाख में डेमचोक और चुशुल में लंबी दूरी तक टैंकों के ऑपरेशन के खुले मैदान हैं। यहां चीन की तरफ से खतरे को देखते हुए भारतीय सेना 5 साल पहले से अलर्ट थी। टैंकों के ऑपरेशन की इसी वजह से पुख्ता तैयारी थी, लेकिन चीन की ताजा चुनौती के बाद भारत ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में ड्रैगन सोच भी नहीं सकता था।
29 से 30 अगस्त को पेंगोंग के पूर्वी छोर पर थाकुंग से लेकर रेजांगला तक की जिन पहाड़ियों पर भारत ने कब्जा किया था, अब वहां हिंदुस्तान की विध्वंसक तोप और बख्तरबंद गाड़ियां चीनी टुकड़ी पर निशाना साधे तैयार बैठी हैं। अगर चीनी फौज ने यहां एक कदम भी बढ़ने की जरूरत की तो फिर उस पर अग्नि वर्षा होगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। दरअसल 1948 के बाद ये भारतीय सेना का अपनी तरह का एक इकलौता बड़ा कारनामा है। 50 से 60 टन वजनी टैंक्स को पहाड़ियों पर चढ़ाने के लिए खास ट्रैक्स जो हैं वो बनाए गए हैं। आसपास की जो पहाड़ियां हैं उन पर बेहद सावधानी से ये ट्रैक्स बनाए गए हैं। एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत ये ट्रैक्स बनाए गए हैं ताकि दुश्मन को इसकी भनक न लगे। सैन्य इतिहास में पहली बार टैंकों को इतनी ऊंचाई पर तैनात किया गया है। नवंबर 1948 की बात करें तो उस वक्त जनरल थिमैया ने 11,553 फीट की ऊंचाई तक टैंक पहुंचाए थे। जोजिला दर्रे की बात करें तो उसके पास से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने के लिए वहां पर टैंक्स पहुंचाए गए थे, जो 11,000 फीट की ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं। 1948 में हल्के स्टुअर्ट टैंक्स को 11,553 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया था। लेकिन भारत को उकसाकर दरअसल जो चीन है ना, कायर चीन, वो बुरा फंस गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठंडी मौत से ठंडा पड़ चुका है जिंगते। दरअसल ये इसलिए कि अब जन से ज्यादा जो चीनी फौज है वो ठंड से ज्यादा कांप रही है, ठंड से ज्यादा डर रही है। और यही कारण है हालात कुछ इस तरीके से बन गए हैं कि अब उससे दुम दबा के पीछे भागते भी नहीं बन रहा है। तो इसीलिए अब जो पीएलए है ये समझ चुका है, उसको ये है कि अगर वो वापस नहीं लौटती है, जो अप्रैल की स्थिति जो थी, अगर वो उस स्थिति पर वापस नहीं लौटता है तो फिर भारत उसको जबरन पीछे धकेलेगा। और यही कारण है कि चीन ने एलएसी पर जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उनको बनाना शुरू कर दिया है, या जो हेलीपैड्स हैं वो बनाने शुरू कर दिए। एलएसी से दुम दबाकर भागेगा ड्रैगन, लड़ने से पहले मरने के खौफ में डूबी चीनी फौज। चीन को सता रहा है अपने जवानों की ठंडी मौत का डर। हर रोज चालबाजी करके तनाव की मियाद बढ़ाने वाले चीन ने सोचा था कि बढ़ती ठंड के बीच हिंदुस्तान का हौसला जवाब दे जाएगा। चीन के तेवर बता रहे हैं कि वो बीच का रास्ता निकालने की बजाय आखिरी चालबाजी में जुटा है, जिसका उसे करारा जवाब मिल रहा है। चीन की नई साजिश एलएसी के पास सैन्य साजो सामान की ज्यादा से ज्यादा खेप जुटाने की है, जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। ड्रैगन ने कई नए मिलिट्री बेस बनाए हैं, यहाँ टैंकों और आर्टिलरी गन की तैनाती की है। इसके साथ ही चीन मिलिट्री हॉस्पिटल और हेलीपैड भी बना रहा है। उसे डर है कि अगर जंग छिड़ी तो फिर हिंदुस्तान के महाप्रहार से बचना मुश्किल होगा। इसलिए चीन अभी से ज्यादा मिलिट्री हॉस्पिटल बनाने में जुटा है। भारत की मारक रणनीति ने चीन को पस्त कर रखा है। अब चीन माहौल की तलखी कम कर नए धोखे की जमीन तैयार करना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान ड्रैगन की हर चाल को समझ चुका है। सूत्रों की माने तो कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बीच चीन ने बार बार भारत से स्पांगुर गैप के पास की उन तीन चोटियों पर कब्जा छोड़ने को कहा, जिस पर अगस्त के सीक्रेट ऑपरेशन के बाद भारतीय जवान कायम है। यहां से चीनी फौज पर सीधा निशाना लगाया जा सकता है। चीनी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए एक और बड़ा काम हुआ है। सोमवार को सीमावर्ती 7 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बने 44 पुलों का उद्घाटन हुआ। देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, सुरंगों और पुलों का लगातार निर्माण आप लोगों की प्रतिबद्धता और सरकार के रिमोट एरियाज में पहुंचने के प्रयास को दर्शाता है। इन 44 पुलों में से 10 पुल जम्मू कश्मीर में तो 7 पुल लद्दाख में और 3 हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। सिक्किम और अरुणाचल में भी बेहद अहम पुल तैयार हैं। यानी चीन की हर साजिश को नाकाम बनाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। अब चीन को हर मोर्चे पर करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सूत्रों के मुताबिक चीन फिंगर 8 से वापस लौटने की बात कह रहा है। कह तो रहा है लेकिन उसकी कथनी और करने में कितना फर्क है ये हम सब अच्छे से वाकिफ हैं।
चीन के इस प्रस्ताव के पीछे छिपी हुई है एक बड़ी चाल। भारत को फिंगर फोर से पीछे करके फिंगर थ्री और फिंगर टू के बीच पहुंचने की बात वो कह रहा है। हिंदुस्तान की दो टूक फिंगर एट तक है हमारा इलाका, तो चीन वापस चला जाए, किसी चालबाजी में ना आए और ना सोचे कि हम उसके झांसे में आने वाले हैं। सातवें दौर की बैठक में ये साफ साफ संदेश उसे दे दिया गया कि अप्रैल की स्थिति में वापस लौटना होगा। चीन अगर पीछे नहीं हटता है तो फिर हिंदुस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकता है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।